गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11.2 क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विथ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट इज 60। अब दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो 60 है, तो इसका अपोजिट एंगल जो है इन दोनों का सम होता है 180। तो अगर ये 60 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 180। ठीक है, अब 180 सॉरी इन दोनों का सम क्या होता है 180, तो 60, 180 में से 60 माइनस करी तो क्या आएगा 120। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है आपको, एक सर्कल ड्रॉ करना है। कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। तो ये सर्कल हमने ड्रॉ किया है जो कि कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की सर्कल ड्रॉ कर दी। अब 5 सेंटीमीटर की सर्कल ड्रॉ करने के बाद पे हमको उस पर क्या बनाना है, 120 डिग्री का एंगल। तो हमने पहले ये बनाया, ठीक है, इस पर 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया, फिर उस पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे आप, किसी भी रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट आर्क लगाया 60, फिर 60 पे रखा, सेकेंड आर्क लगाया 120, तो ये 120 का एंगल बन गया। अब इस पर हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, सो ये बी पे रखा, रेडियस ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद में फर्स्ट आर्क लगाया, ठीक है, फिर यहाँ रखा, सेकेंड आर्क लगाया, और फिर इन दोनों से यानी 60 और 120 से सेंटर में आर्क लगा दिया। ठीक है, तो ये बन गया आपका 90 डिग्री। सेम प्रोसेस आपको यहाँ करनी है ए पर। ए पे रखा, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फर्स्ट आर्क लगाया, फिर सेकेंड आर्क लगाया, एंड देन सेंटर में आर्क लगाया, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया। ये दोनों एंगल जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे वो बन गया हमारा पी। सो पी ए और पी बी जो है वो आपकी टेंजेंट है इस सर्कल के लिए। क्लियर। सो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ, ड्रॉ एन एंगल ऑफ ए ओ बी ऑफ 120 डिग्री, ए एंड बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया जो दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, मीट कर रही है एट पॉइंट पी पर। सो ए पी एंड ए पी बी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर आप यहाँ चेक करके देखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, टेक ए एज अ सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेक बी एज अ सेंटर अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर। सो ए बी एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 8 सेंटीमीटर की। ए से 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है और बी से 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, और उन दोनों से आपको सेंटर आर्क लगाना, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ए से बी सर्कल के टेंजेंट, बी सर्कल का जो बी से जो सर्कल बनेगा उस पर टेंजेंट डलेगी, और बी से ए सर्कल का जो टेंजेंट बनेगा उस पर बनेगी। सो सबसे पहले हमने क्या करा, ए बी लाइन ड्रॉ करी जो कि कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, अभी ए बी लाइन ड्रॉ कर दी 8 सेंटीमीटर की, फिर ए से 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और बी से 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया। अब ए बी को परपेंडिकुलर बायसेक करना है, किसको बायसेक करना है, ए और बी को। पहले ए बी लाइन ड्रॉ करी, उस पर ए पे 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया, बी पे 3 सेंटीमीटर का, और अब ए बी लाइन से ए बी पर को परपेंडिकुलर बायसेक्ट करना। तो ए से ये बी, ए बी ए से और फिर बी से परपेंडिकुलर बायसेक्ट किया, इसको नाम दे दिया हमने एम। ठीक है, एम को, ठीक है, एम को सेंटर मान के हमने क्या ड्रॉ किया, सर्कल। तो वो ए बी से इंटरसेक्ट हो रहा है। अब ए से जो सर्कल बना था और ये जो एम से सर्कल बना है, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं पी और क्यू पर। फिर वही चीज़ यहाँ पे जो आपका सर्कल बना था, बी से जो सर्कल बना था और जो एम से सर्कल बना है, वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है आर और एस पर। ठीक है, तो ए से आर और ए से एस को ज्वाइन कर दिया, तो इस सर्कल के यानी बी सेंटर वाले सर्कल की जो टेंजेंट है वो है ए आर और ए एस, और ए सर्कल से जो बना, ए सेंटर से जो सर्कल बना है उसकी टेंजेंट है बी पी और बी क्यू। तो ये बन गई हमारी दो टेंजेंट सिंपली। तो आपको सबसे पहले ए बी ड्रॉ करनी है,
ए पे 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, बी पे 3 सेंटीमीटर का सर्कल, बी को सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, फिर ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया, इससे हमारा ये सर्कल बन गया। ये ए सेंटर के सर्कल को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बी सर्कल सेंटर को आर और एस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर? अब इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट था एम, ठीक है, और टेक ए एज अ सेंटर ऑफ रेडियस ए एम, ड्रॉ अ सर्कल ए एम, ए को सेंटर माना और 4 सेंटीमीटर की सर्कल ड्रॉ करिए, फिर बी एज अ सेंटर एंड रेडियस बी एन ऑफ 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया, फिर ए एम आर द रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल विच इंटरसेक्ट बोथ द सर्कल एट द पॉइंट पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बी पी, बी क्यू, ए एस, ए आर, ये सब क्या हैं, टेंजेंट हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, लेट ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, एंगल बी 90 डिग्री, बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू द सर्कल। जो सर्कल आप बनाएंगे बी सी डी जिस पे बन रही है उस पे ए से हमको क्या बनानी है, 2 टेंजेंट्स बनानी है। ये फिगर है, सबसे पहले हमको राइट ट्राइंगल बनाना है, तो बी सी ड्रॉ करी 8 सेंटीमीटर, बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, और ए बी ड्रॉ करी है 6 सेंटीमीटर की। क्लियर? सबसे पहले राइट ट्राइंगल बनाना है। राइट ट्राइंगल बनाने के बाद में आप बी सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, किसको, बी और सी को। बी सी को हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है, देखिए रहा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया और इससे सेंटर मिला, तो ये सेंटर मिला है आपको ओ, ओ इज़ द सेंटर। ओ से हमने ओ बी को मेज़र करिए या ओ सी को मेज़र करके एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ हो गया ओ बी से। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक राइट ट्राइंगल के लिए बी सी बनाया जो कि 8 सेंटीमीटर, ए बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, उस पर ए बी मार्क किया 6 सेंटीमीटर और इसको ज्वाइन कर दिया, फिर बी और सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हुआ जिससे हमें ओ मिला, ओ से हमने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, अब ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब ये सर्कल जो है वो ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो ये बनेगा डी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि बी सी और डी जो है वो सर्कल पे बन रहे हैं, तो ये जो ए सी को ये सर्कल जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, देखिए ए सी को ये सर्कल जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट बना है डी, तो B और D को ज्वाइन कर दिया, तो बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, ये उन्होंने बोला था, बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है, देखिए बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर, और ये सर्कल ए सी को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो बना, ठीक है। अब हमें A से इस सर्कल पे टेंजेंट डालनी है, तो आपको दिखेगा कि A से जो है टेंजेंट एक तो ऑलरेडी बन रही है B, ए बी इज़ द टेंजेंट, पर एक और बनेगी जो हमको यहाँ कहीं मिलेगी इधर, ठीक है, ऐसे आएगी। अब ऐसे टेंजेंट कैसे पता चलेगी, तो हम हर बार क्या करते थे, सेंटर से एक्सटीरियर पॉइंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते थे, तो आप ओ और ए को क्या कर दोगे, आप जॉइन, तो ये ओ और ये ओ और ए को हमने क्या कर दिया है, ये डॉटेड लाइन से देखिए जॉइन कर दिया, और फिर इसको जॉइन करने के बाद हम क्या करते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो ये ओ और ए को हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक करना है, तो ये देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक कर दिया, ठीक है, ये ओ ए को हमने परपेंडिकुलर बाइसेक किया, परपेंडिकुलर बाइसेक किया तो ये मिल रही है एट पॉइंट एम पर, कहाँ पे मिल रही है, एम, फिर ओ और एम को मेज़र कर लीजिए और फिर क्या ड्रॉ कर दीजिए, सर्कल, ये ओ एम को करिए या ओ ए को कर लीजिए, किसी को भी करके मेज़र करके हमें क्या ड्रॉ करना है, सर्कल। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो बी से भी पास होगा, ठीक है ना, ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, अब ये सर्कल ड्रॉ किया है तो ये सर्कल यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है ई पर, और यहाँ इंटरसेक्ट ऑलरेडी कहाँ पे होगा, बी पर, क्योंकि ऑलरेडी ए बी जो है वो एक टेंजेंट है हमारी, तो बी पे पास हो रहा है, मतलब आपका करेक्ट है, तो ये बी पे पास हो गया, यहाँ हमको निकालना था, ये ई पे पास हो गया, तो जब सर्कल आप ड्रॉ करेंगे ओ ए को ज्वाइन करने के बाद में, तो वो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बन जाएगा ई,
तो ए बी एक टेंजेंट है, अब ए ई दूसरी टेंजेंट आ गई, तो ए से हमको दो टेंजेंट बनानी थी, तो फर्स्ट है ए बी और सेकेंड है ए ई, तो ये बन गई ए ई को आपने ज्वाइन कर दिया, क्लियर। अब इसे सॉल्व करना है, तो ए ए बी ओ एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ए बी ओ जिसमें ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये 6 सेंटीमीटर की थी ए बी, ये आपको फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब देखिए ये था 8 सेंटीमीटर, तो ये बन गई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तो ये सर्कल के सेंटर पे आ रही है, तो ओ बी की बी डी कितने सेंटीमीटर की हो गई, 4 सेंटीमीटर, सॉरी ओ डी ये है, ठीक है ना। तो ओ बी ए बी और ओ ये ट्राइंगल है हमारा ए बी ओ, ए बी ओ में ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ओ और ए आपको फाइंड आउट करनी है। ओ ए कितनी हो जाएगी, 36 प्लस 4 4 4 16, 36 यानी 52, तो ओ ए जो है वो कितने सेंटीमीटर की हो गई, 52, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 52 सेंटीमीटर। अब दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे ए ई और ओ, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ए ई और ओ ये राइट ट्रायंगल, क्योंकि हमें ए ई की वैल्यू निकालनी है, ए ई की वैल्यू कैसे निकलेगी, ओ ए ओ ई और ए ई, तो ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर बनाएगी क्योंकि रेडियस है सर्कल की, ये 4 सेंटीमीटर की है, ओ ए आपको मिली गया अभी 52, तो ये ए ई हमको फाइंड आउट हो जाएगी, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, तो ये हो गया ओ ए स्क्वायर था 52, ओ ई था 64, तो 4 4 16, 52 माइनस 16 36, यानी ए ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, यानी 6 इज इक्वल्स टू ए ई, ए ई की वैल्यू भी क्या आ गई, 6, ए बी ऑलरेडी हमको पता था 6 है, अब ए ई भी 6 है, तो ए बी इक्वल्स टू ए ई जो है वो क्या है हमारी टेंजेंट है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ राइट एंगल ए बी सी विथ ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, एंगल बी 90 डिग्री, कंस्ट्रक्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ बी सी विच इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, बी सी को परपेंडिकुलर बायसेक्ट किया, ओ एज अ सेंटर, ओ बी एज अ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल विच इंटरसेक्ट ए सी एट पॉइंट डी, जो ए सी को इंटरसेक्ट कर रही थी, मैंने बताया था ना ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है, ये ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट डी पर, और फिर ओ बी और डी को ज्वाइन कर दिया, फिर ओ और ए को ज्वाइन किया और इनका परपेंडिकुलर बायसेक्ट किया, सो ड्रॉ परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ओ ए विच इंटरसेक्ट ओ ए एट एम, एम पर इंटरसेक्ट हो रहा है ये एम पर, ओ और एम को या ओ और ए को मेजर करके आप क्या ड्रॉ करेंगे, सर्कल, सो फिर एम एज अ सेंटर एंड रेडियस ऑफ ओ एम, रेडियस ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस ओ एम विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्कल एट पॉइंट बी एंड ई, जो इंटरसेक्ट कर रही है बी और ई पर, और फिर बी ई और ए ई को क्या कर दिया, ज्वाइन, तो ए बी और ए ई आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब आपको क्या करना है, एक बैंगल लेनी है और उससे आउटर साइड पर एक पॉइंट लेना है और उससे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब अगर हम बैंगल लेंगे तो हमें सर्कल का सेंटर नहीं मालूम है और एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करना होता है, तो सबसे पहले सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। तो सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड होगा, तो बैंगल से पहले मैंने ये सर्कल बना दिया और यहाँ पे दो जो कॉर्ड ली है जो पैरेलल नहीं है, दोनों कॉर्ड ली, ये कॉर्ड, और इनको परपेंडिकुलर बायसेक्ट किया, तो ए बी कॉर्ड है और सी डी कॉर्ड है, एंड बोथ को परपेंडिकुलर बायसेक्ट किया, तो जब दोनों कॉर्ड को परपेंडिकुलर बायसेक्ट किया तो ये दोनों कॉर्ड जहाँ इंटरसेक्ट, परपेंडिकुलर बायसेक्ट जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वो बना हमारा ओ, और ओ जो है वो हमारे सर्कल का क्या कहलाएगा, सेंटर। इससे आप सर्कल का सेंटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये बैंगल से आपने सर्कल बना लिया, अब इस पर कहीं पर भी आप दो कॉर्ड बना लीजिए और उसको क्या करिए, परपेंडिकुलर बायसेक्ट, ये परपेंडिकुलर बायसेक्ट हो गया, ये परपेंडिकुलर बायसेक्ट हो गया, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट होंगी वो आपके सर्कल का सेंटर है, और आप करके देखिएगा, इसी से हम अपने सर्कल का क्या फाइंड करेंगे, सेंटर। सेंटर फाइंड कर लिया, अब एक्सटीरियर पॉइंट पे कहीं पे भी आप एक पॉइंट बना लीजिए और उसको ज्वाइन कर दीजिए, फिर उसको परपेंडिकुलर बायसेक्ट करिए और इसको रख के सेंटर ड्रॉ करिए, सर्कल बनाइए, ये सर्कल हमारे इस सर्कल को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो इसकी टेंजेंट हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले बैंगल ली, बैंगल से हमने सर्कल का सेंटर फाइंड करना था, तो दो कॉर्ड ड्रॉ करी,
कॉर्ड का मिड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, बोथ द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, सो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक, पी इज द एक्सटीरियर पॉइंट विदाउट एनी मेजर, से ओ जॉइन ओ पी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ओ पी को करा तो उसको नाम दे दिया एम, ओ एम को मेजर करिए, सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, सर्कल ड्रॉ करने के बाद वो प्रीवियस सर्कल यानी गिवन सर्कल बैंगल से जो सर्कल बना था उसको इंटरसेक्ट कर रहा है आर और एस पे, तो पी आर और पी एस आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑफ द गिवन सर्कल। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, टेक टू नॉन पैरेलल कॉर्ड ए बी एंड सी डी, ठीक है, नॉन पैरेलल साइड है ये ए बी एंड सी डी ऑफ दिस सर्कल, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी, लेट इट्स इंटरसेक्ट एट ओ, देन ओ इज अ सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया जो ओ सेंटर से है, टेक पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, ओ पी जॉइन ओ पी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ इट, दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ पी, एम इज द सेंटर, ओ एम इज द रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल विद इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्कल या गिवन सर्कल एट पॉइंट आर एंड एस, तो पी आर एंड पी एस आर द रिक्वायर्ड टू टेंजेंट, सो योर चैप्टर 11 इज कंप्लीटेड।